न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। सिडकुल थाना क्षेत्र के हजारा ग्रेंट में हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि आरोपियों का एक साथी फरार है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकदी, तमंचा, अन्य सामान बरामद किया है। घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि सिडकुल थाना क्षेत्र में 15 फरवरी को हजारा ग्रांट आसफ नगर के बीच अज्ञात बदमाशों ने धनौरी पिरान कलियर निवासी राहुल कुमार को तमंचा दिखाकर 1.5 लाख की लूट को अंजाम दिया, जिसके संबंध में थाना सिडकुल में मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल और रास्तों पर लगे सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। मुखबिर की सूचना पर बीते रोज देर शाम ओसो आश्रम के पास पीर वाली गली से दो अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बैंक से जो पेमेंट होता है वो लेने का काम करता था, उसका रेगुलर बेस पे काम चलता था और 15 तारीख को भी डेली जिस तरह वो जाता था उसी तरह बैंक से पेमेंट लेके जा रहा था। लगभग 1.5 लाख के आसपास पेमेंट था, 1,48,000 समथिंग था, और लेके जब वापस आ रहा था तो उसकी रेकी की गई थी गुलाम साबिर करके। पुलिस की जागरूकता के बावजूद मुनि की रेती थाना क्षेत्र अंतर्गत मकान मालिक अपने किराएदारों पर पुलिस सत्यापन कराने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सत्यापन के लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस और थाना चौकी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती। घर बैठे ऑनलाइन या साइबर कैफे में जाकर मकान मालिक अपने किराएदार का सत्यापन करा सकते हैं। फिर भी सत्यापन में मकान मालिकों की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। इसका नजारा आज थाना क्षेत्र अंतर्गत कैलाश गेट और शीशबगढ़ी क्षेत्र में देखने को मिला, जब SSP नवनीत भुल्लर के निर्देश पर इंस्पेक्टर रितेश शाह और SSI योगेश पांडे की टीम सुबह सवेरे चेकिंग के लिए पहुंची। इस दौरान 63 मकान मालिक बिना सत्यापन के किराएदार रखे हुए पकड़े गए। पुलिस सभी मकान मालिकों को पहले फटकार लगाई, फिर उनका चालान काटा, जुर्माना लगाया। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि मकान मालिकों की लापरवाही शहर की सुरक्षा और लोकसभा चुनाव की शांति व्यवस्था से खिलवाड़ है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सितारगंज में स्कूटी पर सवार जानलेवा हमला कर लूटने वाला पांचवा बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से तमंचा, तलवार बरामद हुई है। गिरफ्तार बदमाश पर 9 गंभीर धाराएं दर्ज है। वहीं दूसरी तरफ ढाबा स्वामी पर गोलियों के बौछार करने के एक अन्य मामले में फरार चल रहे आरोपी को भी पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। बरेली जिले के थाना शीर्षगढ़ ग्राम ईश्वरपुर निवासी जयदीप सिंह ने कोतवाली में दर्ज कराई थी तहरीर में। आरोप लगाया कि 31 जनवरी की सुबह उसका भाई मनदीप सिंह स्कूटी में सवार होकर कीछा की ओर आमखेड़ा जा रहा था। नेशनल हाईवे के कथनगरी मोड़ पर गगनदीप सिंह रतनपुरिया पुत्र स्वर्ण सिंह निवासी रतनपुर कीछा, ऐशवीर सिंह पुत्र शमशेर सिंह निवासी मनकरा थाना बेहड़, इन सभी लोगों ने रोक लिया और आरोपियों ने भाई मनदीप सिंह की स्कूटी पर टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद आरोपियों ने लाठी डंडे तलवार तमंचे से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में मनदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी के हमलावरों ने मनदीप सिंह के गले से सोने की चेन और स्कूटी भी लूट ली थी। नमस्कार साथियों, वेलकम टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रकरण इस प्रकार से है कि जो आगामी लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत सीनियर ऑफिसर से लगातार निर्देश प्राप्त होने हैं और पूरे क्षेत्र को गुंडा तत्वों से मुक्त करने का अभियान इसमें चल रहा है, जिसमें हम लोग लगातार NBW की तामील हम लोग कर रहे हैं, जिसमें लास्ट वीक यहां से लगभग 35 NBW में जो भी वांटेड अपराधी थे उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और जो वांछित अपराधी हैं विभिन्न मामलों में जो वांटेड चल रहे हैं उनकी भी अरेस्टिंग का ड्राइव हम लोगों ने चलाया हुआ है। 17-18 फरवरी को पूरे प्रदेश में हुई पुलिस परीक्षा में पेपर लीक को लेकर सैकड़ों की संख्या में गोरखपुर के गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थित पंत पार्क के सामने सैकड़ों की संख्या में परीक्षार्थियों ने पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदर्शन किया और परीक्षा को दोबारा कराए जाने की मांग करते हुए पुलिस हमारी मदद करो के नारे लगाए। परीक्षार्थियों का घंटे भर प्रदर्शन देखते हुए जब इसकी सूचना गोरखपुर पुलिस प्रशासन को मिली तो मौके पर पहुंचे एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई और जिला प्रशासन ने परीक्षार्थियों से बातचीत की, लेकिन परीक्षार्थी मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि पिछले दिनों हुए पुलिस परीक्षा भर्ती को पुनः पारदर्शिता से फिर कराया जाए, जिससे कि जो अभ्यर्थी उस काबिल होगा वो परीक्षा देकर पास होकर नौकरी में आएगा, ना कि जिन लोगों ने अच्छे खासे रुपये देकर और जालसाजों के द्वारा नकल लगाकर नौकरी पाएगा। इसलिए हमारी मांग है कि फिर से दोबारा पेपर होना चाहिए। यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही थी, क्या आपके आने के बाद क्या इनके द्वारा अपनी बात रखी गई है, इनकी बात को आगे रखा जाएगा और बाकी अभी सभी लोग जितने भी लोग आए थे सभी लोग डिस्पर्स हो गए हैं। थैंक यू सर। इनका आरोप है कि पेपर लीक का ऐसा कुछ मामला, उसके लिए शासन स्तर से कमेटी गठित की गई है, वो कमेटी अपनी राय रखेगी, कमेटी अपनी बात रखेगी, इन लोगों द्वारा जो बातें रखेगी वो सुनी गई है और ये लोग सब डिस्पर्स हो गए हैं शांतिपूर्वक तरीके से। थैंक यू। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन हो चुका है, इसके बाद भी पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर को लीक होने का मुद्दा गर्माता जा रहा है। जहां अमरोहा में पुलिस ने कोचिंग संचालक को गिरफ्तार किया,
वह यूपी के बाराबंकी में तमाम कोचिंग के स्टूडेंट्स ने एक राय होकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए पैदल निकल पड़े। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने समस्त छात्रों को पटेल तिराहे के पास रोककर ज्ञापन प्राप्त किया है। जनपद के दशहरा बाग में संचालित संकल्प कोचिंग क्लासेज और दिव्य क्लासेज व्यास अकादमी के कई सैकड़ा छात्र बिना किसी पूर्व सूचना के हाथों में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा लिख की तख्तियां लेकर सड़क पर उतर आए थे। अचानक से सूचना मिली कि कुछ छात्र जो है कि एक समूह में जा रहे हैं कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने के लिए, उनको इस बात की आशंका है कि पुलिस जो भर्ती अभी जस्ट हुई है उसमें पेपर लीक हो गया, उसी बात के विरोध में वो प्रदर्शन करके निकले थे, जिस पर तत्काल पुलिस बल मौके पर आकर और उसे उनका ज्ञापन लेकर के उनको आश्वस्त किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रत्येक महीने के प्रथम और तृतीय शनिवार को आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस की कड़ी में तहसील प्रयागपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान उप जिलाधिकारी प्रयागपुर दिनेश चंद और तहसीलदार प्रयागपुर धर्मेंद्र कुमार, नायब तहसीलदार प्रयागपुर, नायब तहसीलदार विश्वेश्वरगंज, BDO विश्वेश्वरगंज, BDO प्रयागपुर, CEO प्रयागपुर आनंद कुमार राय, अन्य अधिकारियों के साथ आए फरियादियों की समस्याओं की गंभीरतापूर्वक सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारी को समयबद्धता के साथ गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए हैं। संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर उप जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अमल दरामद से संबंधित निर्णय लिए जाएं और साथ ही साथ रजिस्टर में अंकित कर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई समय से सुनिश्चित कराई जाए। जी है, आज विशेष रूप से चूंकि वहां पर पुलिस की परीक्षा थी और उसके बाद मीट वाला था लखनऊ में, उसके स्थान पर आज तहसील दिवस रखा गया है और तहसील दिवस आज हो रहा है। कितने प्रार्थना पत्र आए हैं, कितने का मौके पर निस्तारण किया गया? अभी तक 30 आए हुए हैं, 2 इसमें डिस्पोजल हुए हैं, से सभी आ ही रहे हैं। जनता के बीच में क्या संदेश देना चाहेंगे आप तहसील दिवस के तरफ से? अरे जनता की समस्याओं को सुनकर खुशहाल करने का प्रयास किया जाता है। झांसी के मऊरानीपुर तहसील सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समाधान दिवस आयोजित किया गया। समाधान दिवस में 64 से ज्यादा प्रार्थना पत्र मिले हैं। समाधान दिवस के चलते पुलिस भर्ती परीक्षा के चलते हुए पेपर लीक को लेकर भारी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने ज्ञापन देकर पुनः परीक्षा कराए जाने की मांग की। समाधान दिवस में प्राप्त प्रार्थना पत्रों को जिलाधिकारी ने सुना और अधीनस्थों को निस्तारण के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि कृषि, राजस्व, पेंशन सहित अनेक विभागों से संबंधित 64 प्रार्थना पत्र मिले हैं, जिसमें 5 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया था। तहसील समाधान दिवस आज तहसील मऊरानीपुर में मेरे और SSP महोदय द्वारा प्रतिवाद किया गया। यहाँ पे लगभग 64 समस्याएं आई, जो जिसमें से 5 निस्तारित हुई और बाकी कुछ समस्याएं जो थी वो कृषि विभाग से संबंधित थी, कुछ राजस्व से थी और कुछ पेंशन रिलेटेड प्रकरण। महोबा के चरकारी कस्बे में पुलिस परीक्षा का पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों ने आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन किया। छात्रों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप सरकार से पुनः उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा कराते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने, आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का एग्जाम 17-18 फरवरी को हुआ था और जगह जगह से पेपर लीक आउट होने की खबरें मिल रही हैं, जिससे छात्रों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है, जिसके चलते महोबा जनपद के चरकारी तहसील प्रांगण में आधा सैकड़ा छात्रों ने इकट्ठा होकर नाराजगी जाहिर की है और दोबारा से पेपर कराने की मांग की है। नाम मोहित कुमार भूषण। किस संगठन से आप लोग आए हैं, क्या समस्या लेकर आए? छात्र एकता जिंदाबाद के तहत यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो यूपी का भी पुलिस परीक्षा भर्ती जो लीक हुई है 17-18 फरवरी को जो पेपर हुआ है महोबा जिले के, सब छात्र हैं यहाँ पर। हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। जो परीक्षा यहाँ लीक हुई, मध्यम वर्ग के जो छात्र हैं बहुत परेशान हैं, अब वो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं दिन रात, और अगर पेपर लीक हो जाता है तो उनकी क्या दशा होगी? कैसे उनने पैसा देकर पढ़ाई की, एकत्र किया, सब कुछ किया, बाद में पता चला किसी को आसानी से पेपर मिल गया, उसका सिलेक्शन हो गया। इसके तहत सब छात्र एकत्रित हुए और उन्होंने ठाना है। संबल पुलिस भर्ती परीक्षा के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थियों का दावा है कि परीक्षा से 24 घंटे पहले ही संबल में भी पेपर लीक हुआ। इस मामले में निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। वहीं माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। मेरा नाम शिवम कुमार है। आज कहां आए हो आप? मैं गुलाब देवी, शिक्षा मंत्री जो है हमारे यहाँ की चंदौसी विधानसभा की, हम वहाँ पर आए हैं विज्ञापन सौंपने के लिए। हमारी मांग है कि 17 और 18 की सेकंड शिफ्ट थी उसका पेपर लीक हुआ है और 24 घंटे पहले 18 की सेकंड का पेपर घूम रहा था बच्चों के पास 24 घंटे पहले। बताइए, मैं 5 साल हो गए तैयारी करते हुए। मैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के थाना मोहनगढ़ के ग्राम अशरा निवासी दंपति आखिर ललितपुर के घंटाघर परिसर पर क्यों बैठे? अपनी ही बेटी के खिलाफ धरने पर
बेटी पर ही पोते को बंधक बनाने का आरोप लगाया और भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम मदद कर कार्रवाई किए जाने का पत्र लिखा है। बता दें कि इकलौती बेटी को 2015 में सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। इकलौता सहारा उनके पोता ही बचा था। उनके जीने का सहारा कोरोना काल में जहां हर ओर त्राही माम मची हुई थी, तभी अपने पोते की भलाई के लिए पोते को ललितपुर निवासी उनकी सगी बेटी को ही सौंप दिया था और कोरोना काल के बाद वापस ले जाने की बात कही थी। कोरोना काल निकल जाने के बाद जब बुजुर्ग दंपति अपने पोते को लेने पहुंचे अपनी ही बेटी के पास, तो बेटी की नियत का पता चला कि बेटी ने पोता लौटाने से मना कर दिया और जमीन का एक टुकड़ा मांग लिया। बुजुर्ग दंपति ने सदर कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला चांदमारी स्थित एक प्लाट को अपनी ही बेटी के नाम कर दिया, लेकिन बेटी के माने तो उसके मन में कुछ और ही खिचड़ी चल रही थी। लेकिन उनके पोते को वापस नहीं किया गया। उसके बाद लगातार कई बार पोते की कस्टडी के लिए दर दर भटक रहे दंपति आखिरकार घंटाघर स्थित आमरण अंचल पर बैठ गए हैं और यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। बिजनौर के बैराज रोड पर तेज रफ्तार कंटेनर टेम्पो पलट गया, जिसमें टेम्पो में सवार तीन लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि बैराज रोड पर माउंट लेट्रा स्कूल के पास एक कंटेनर बिजनौर से मुजफ्फरनगर की ओर जा रहा था। इसी दौरान टेम्पो वाहन के ऊपर अनियंत्रित होकर पलट गया और सड़क किनारे जा गिरा। टेम्पो में सवार तीन लोगों की कंटेनर के नीचे दबकर मौके पर ही मौत हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है। इमरान जी, अभी क्या हुआ बैराज रोड पे? अभी रोड पे ये हुआ, ट्रक यहाँ से जा रहा था, थोड़ा सा स्पीड में होता है, जब ब्रेक ना मारने की कोशिश में उन्हें राइट साइड बचाया। राइट साइड बचाने के बाद हाथी हाथी आ रहा था, जिनमें तीन लोग सवार थे और जैसे ट्रक ने कट मारा वो ट्रक उनके ऊपर पलट गया। तीन लोग हैंड टू हैंड ऑन द स्पॉट मौत हो गई। घंटे की वजह से? घंटे की वजह से। अच्छा, ऐसे बहुत सारे हैं पर ये सबसे भयंकर है। क्या इससे पहले भी कोई हादसा हो चुका है? ये हुआ है यहाँ पे, तो कई ट्रक के गुल्ले टूट गए, कई ट्रक के पहिए निकल के भाग गए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।